दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें, अगले कुछ दिनों में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी करने वाले हैं। जैसे जैसे कपल की शादी नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे सभी की निगाहें उनके परिवार पर टिकी हुई हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में होने वाली दुल्हन के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने शेयर किया कि वो शादी में शामिल होंगे और उन्हें प्यार और आशीर्वाद भी देंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी और जहीर की शादी में शामिल होने पर खुलकर बातचीत की। अनुभवी एक्टर और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने उन फर्जी खबरों को नजरअंदाज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वो अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी में शामिल नहीं होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बातचीत में सीधे कहा कि वो जल्द ही शादी करने वाले कपल के साथ उनके बड़े दिन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, मुझे बताओ ये किसकी लाइफ है, ये मेरी इकलौती बेटी सोनाक्षी की लाइफ है जिस पर मुझे काफी गर्व है और मैं उससे काफी प्यार करता हूँ। वो मुझे अपनी ताकत का स्तंभ कहती है। मैं निश्चित रूप से उनकी शादी में मौजूद रहूँगा, मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा, इससे आगे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा की खुशी उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है और वो भी अपने पिता के लिए ऐसा ही सोचती है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनाक्षी को अपना साथी चुनने और अपनी स्वतंत्र लाइफ को जीने का पूरा अधिकार है। मैं अभी भी मुंबई में हूँ, मैं यहाँ न केवल उनकी ताकत बनकर खड़ा हूँ बल्कि उनके असली कवच के रूप में भी हूँ। सोनाक्षी और जहीर एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। वही फर्जी खबरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी खबरें सामने ला रहे हैं वो इस खुशी के मौके पर काफी निराश लग रहे हैं, शायद इसलिए वो झूठ फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अपने सिग्नेचर डायलॉग से सावधान करना चाहूँगा, खामोश, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने काम से काम रखे। आपको बता दें कि 20 जून को सोनाक्षी और जहीर इकबाल की हल्दी होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि उनकी शादी 23 जून को मुंबई में होगी। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।